गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अदिति और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज क्या, आज जन्माष्टमी है तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी। आई होप आप सबकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी बीती है, आप सबका फास्ट बहुत अच्छे से जाए और कृष्ण भगवान की आप पे बहुत 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 सारी ब्लेसिंग है। तो चलो चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ कि मैं आज कौन सा वीडियो लेके आई हूँ, किस चीज़ के लिए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पापा हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, बट वो मेरे फादर इन लॉ जैसे बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे पापा जैसे हैं। मतलब एक, मतलब बस वो नाम का एक टाइटल लगा हुआ है ससुर जी, पर वो मेरे ससुर जी बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरे एकदम पापा हैं, दोस्त से मतलब कुछ भी बोल दो बट ससुर जी नहीं बोलना, क्योंकि वो मेरे ससुर जी बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी एंगल से ही नहीं है, वो मेरे एकदम बिल्कुल भी पापा जैसे। और उन्होंने मतलब जब से हमारा रिश्ता जुड़ा है तब से उन्होंने मुझे बेटी बोला, सिर्फ बेटी बोला नहीं है, बेटी माना भी है और ये बात उन्होंने प्रूव किया भी है। तो मतलब ऐसे फादर इन लॉ मिलना बहुत ही लक की बात होती है जो कि मेरे को मिल गया। आई होप आप सबको ऐसे फादर इन लॉ मिले, हर जन्म में मिले। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जितने भी जन्म हो, जितने जन्म में मैं बेटी बनूँ या फिर मैं बेटा बनूँ, बस मुझे ऐसे ही फादर इन लॉ मिले हर जन्म में। मैं तो इनको ऐसे मांगूंगी। तो आज वो आए हैं तो, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं। और इस बार उन्होंने मेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट लेके आए हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेके आए हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट आए हैं, बहुत कुछ आए हैं। हाँ, गिफ्ट मिलता है तो सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मेरा स्माइल देख के पता चल ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो चलो दिखा रहे कि वो मेरे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। चलो आप सबको भी मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। गाइज ये देखो, मुझे इतनी सारी चीजें मिली हैं, कपड़े मिले हैं, ज्वेलरी मेरी मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, मतलब मेकअप के सामान मिले हैं, जो भी मेरे पापा को समझ में आया वो मेरे लिए लेकर आए हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो इतना कुछ मेरे लिए लेकर आए। चलो मैं आपको क्लोज क्लोज से दिखाती हूँ, मतलब कि नज़दीक से अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे लिए उन्होंने साड़ी लेके आई है, ये साड़ी, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, यूनिक कलर है। ये देखो, सॉरी, ये हटा देती हूँ मैं। ये देखो, ये कितना अच्छा यूनिक सा कलर है। ये उन्होंने मेरे लिए साड़ी लेके आया, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने इवन यहाँ तक कि मेरे लिए ब्लाउज भी सिलवा के लाई है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ मैं ब्लाउज नहीं सिलवा पाती हूँ, तो ये वो ब्लाउज भी सिलवा के लेके आए हैं। और ये देखो, ये उन्होंने चूड़ी लेके आई है, वो सावन में नहीं आ पाए थे इसलिए उन्होंने मेरे लिए ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ भी लाई हैं। ये देखो, दो डब्बे ग्रीन चूड़ी लाई हैं। ये देखो, ये ऐसे ये बारह लेके आए। मैंने उन्हें बोला था कि मेरे कांच की चूड़ी टूट जाती तो उन्होंने मेरे लिए बारह लेके आए। ये भी देखो, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी अच्छे हैं। ये देखो, तीज आने वाली है तो ये इन्होंने दो दो मेहंदी मेरे लिए लेके आई। ये देखो, ये सिंदूर की डिब्बी, ये देखो, ये इतनी सारी बिंदी लेके आए हैं। ये देखो, ये लैक्मे का दो दो लेकर आए मेरे लिए लिपस्टिक। ये देखो शेड, ये मरून शेड है, ये पीच कलर है। देखो ये दो दो, वाओ, ये दो दो लेकर आए हैं। ये मेरे लिए नेल पेंट लेके आए हैं। ये भी लेके आए हैं ब्लशर एंड आई शेड्स। मतलब ये आप उम्मीद नहीं करोगे कि ये मतलब कोई जेंट्स लेके आए, पर वो उन्होंने मेरे लिए लाया है। ये देखो, उन्हें जो भी मेरे लिए समझ में आया वो सब कुछ लेके आए, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये इयररिंग्स लेके आए हैं, ये देखो, ये इयररिंग्स लेके आए हैं, और ये उसमें का ये नेक पीस है। ये देखो, ये नेक पीस भी लेके आए हैं। ये दो बिछुए लेके आए हैं, जिसको हम बिछिया बोलते हैं। ये देखो, ये बिछिया ही बहुत मतलब अच्छा है, वह हमारे पैरों में बहुत फंसने वाला नहीं। ये देखो कितना अच्छा है ना, डिसेंट टाइप का है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मतलब हाँ, बिछिया पहनती हूँ तो मेरे साड़ी में फंस जाता है, कभी सोती हूँ तो चादर में फंस जाता है, पर ये फंसने वाला नहीं, ये एकदम मतलब बहुत अच्छा है। ये देखो, मेरे लिए नाक का भी लेके आए हैं, नोज पिन लाए हैं, नोज पिन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये देखो, नोज पिन लाए हैं, नोज पिन भी बहुत अच्छा है। ये देखो, ये मछली, ये मेरे लिए चांदी की मछली लेकर आए हैं। ये देखो, ये मछली,
ये चांदी की मछली लाए हैं क्योंकि कहा जाता है कि मछली होना घर में बहुत ज्यादा शुभ होता है, तो मछली लेके आए हैं, ये चांदी का सिक्का लेकर आए हैं, ये चांदी का सिक्का लाए हैं, ये चांदी की ग्लास लाए हैं। ये कितना क्यूट सा है ना, ये देखो कितना ज्यादा क्यूट सा है ये चांदी का ग्लास, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसमें मुझे नहीं पता मैं इसमें पानी पीऊंगी। ये देखो ये मेरे लिए, ये देखो ये मेरे लिए पायल लेके आए हैं, इसकी आवाज़ कितनी अच्छी, मुझे बजने वाली पायल बहुत अच्छी लगती है। देखो पायल लेकर आए हैं, कितना कुछ, मतलब उन्हें जितना कुछ समझ में आया वो उतना कुछ लेकर आए। इवन वो मेरे लिए नमकीन भी बना के लाए, नमकीन लेकर आए हैं, बहुत सारे मतलब ठेकुआ हो गया लेके आए। मेरे वाह यार, मतलब ऐसे होता है कहीं क्या, ऐसे कोई नहीं इतना ले कुछ लेके आता है, इतना कुछ वो लेकर आए, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप सबने देखा कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या लेके आया है, वो इतनी सारी सामान लेके आए हैं, मतलब मैंने उम्मीद नहीं किया था कि वो इतना कुछ लेकर आएंगे, इतना कुछ वो सोचे मेरे लिए लाने के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि तीज आने वाली है, तो वो इतना सारा सामान बस तीज के लिए लेकर आए हैं कि मतलब तीज में दिया जाता है और मेरा पहला शादी का पहला तीज है, तो वो पूरा सुहागन वाली सारी चीजें लेके आए हैं, जो भी मतलब एक सुहागन यूज करती है तो पहला सुहाग का चीज है, तो वो सारा कुछ मेरे लिए लेकर आए हैं, चूड़ी सिंदूर बिंदी साड़ी पायल बिछिया नथ का नाक का मछली, मतलब लिपस्टिक काजल पता नहीं क्या क्या सब कुछ लेकर आए। उनको पता है कि मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो उनसे जो समझ में आया वो कॉस्मेटिक का सामान लेकर आए, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत कम के फादर इन लॉ इतना सोचते हैं, और मतलब इतने अपनी बहू के लिए सोचते हैं कि क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या उसे पसंद है क्या नहीं पसंद है, मतलब उन्हें हर कुछ पता होता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मतलब जो जो उनको लगा कि हम मतलब हम लोग ने कुछ कहा भी नहीं था कि पापा ये लाइएगा वो लाइएगा, वो उन्हें जो जो समझ में आया वो सारा कुछ वो लेकर आए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ लेकर आया और मेरे लिए वो इतना सोचे, तो थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मैं अपने पापा से भी मिलवाती, पर अभी वो नीचे गए हैं टहलने के लिए, तो वो टहलने गए हैं, तो मैं आपको अभी इसलिए नहीं मिलवा सकती हूँ। मेरे पापा कैसे हैं? मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, इतने अच्छे फादर इन लॉ मिलना मतलब एक लक की बात होती है। सो आई एम वेरी लकी। आई होप आप सबको मेरा ये जो मेरे लिए मेरे पापा लेके आए हैं वो आप सबको भी पसंद आया हो। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, मैंने आप सबको सारी चीज़ें दिखा दी कि मुझे क्या क्या मिला है तीज के शुभ अवसर पे, तो इस मैंने दिखा दिया। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को क्या करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा रहा। प्लीज़ गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो आए हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, और पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता गाइज, ये बिल्कुल मुफ्त का है, बस एक बटन दबाना है आपको, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है आपको, कोई भी खून पसीना नहीं निकालना है, बस थोड़ा सा एक बस बटन प्रेस करना है, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके कि मेरी वीडियो कैसी लगती है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 कमेंट करें, मैं और ऐसी सारी बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू गाइज, बाय, लव यू ऑल।